पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने आज लोकसभा में पद की शपथ ली। नुसरत की हाल ही में शादी हुई है, इसलिए आज वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के रूप में नजर आई। नुसरत के इंडियन वुमन अवतार की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव में इस बार 78 महिलाओं ने जीत दर्ज कर लोकतंत्र के मंदिर में एंट्री पाई, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। वैसे तो आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली सभी महिला सांसद सुर्खियों में हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के चर्चे खूब सुनाई दे रहे हैं। पहले जब वो लोकसभा में वेस्टर्न कपड़े पहनकर आईं, उस वक्त भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा। वहीं आज एक बार फिर दोनों खूबसूरत सांसद छाई रहीं, खासतौर पर नुसरत जहां। दरअसल शादी के बाद आज नुसरत जहां अपनी पत्नी और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती के साथ लोकसभा पहुंची, जहां दोनों ने अपने पद की शपथ ली। दोनों ही महिला सांसद आज पारंपरिक अंदाज में नजर आई, लेकिन न्यूलीवेड नुसरत आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। आज उन्होंने माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और चूड़ा पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आपको बता दें कि नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन संग 19 जून को टर्की के बोड्रम सिटी में शादी की है। शादी में व्यस्तता के चलते नुसरत जहां संसद सत्र के पहले दिन शपथ लेने नहीं पहुंच सकी थी। नुसरत की शादी में उनकी करीबी दोस्त मिमी चक्रवर्ती भी नजर आई थी। दोनों ही स्टार्स को इस वजह से भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। यूजर्स का कहना था कि शादी और रिसेप्शन के लिए नुसरत जहां के पास समय है, लेकिन संसद में शपथ लेने के लिए नहीं। वहीं एक यूजर ने लिखा था कि जब आपको संसद सत्र के बारे में पता था तो फिर शादी की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता था। ये है कोलकाता की सांसद जो शादी में व्यस्त है, आप कैसे जिम्मेदारी निभा सकती हैं? इस पर नुसरत ने भी ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि नुसरत पश्चिम बंगाल सिनेमा की जानी मानी अदाकारा है और कई हिट फिल्मों की हीरोइन भी रह चुकी हैं। उन्होंने टीएमसी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को भारी मतों से पराजित कर संसद पहुंची। डीबी लाइव की रिपोर्ट।